सो हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HIO4 के बारे में, जिसको कॉमनली मीन्स बुलाया जाता है पर आयोडिक एसिड। ओके, तो जनरली जो पर आयोडिक एसिड कमर्शियली प्रेजेंट होता है वो इस तरह प्रेजेंट होता है, HIO4.2H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में, जिसको बोला जाता है ऑर्थो पर आयोडिक एसिड। और सिर्फ अगर HIO4 है तो उसको हम मेटा पर आयोडिक एसिड इस तरह से बोलते हैं। ओके, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, HYIO6। मीन्स अगर आपके पास हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ पर आयोडिक एसिड है तो उसको ऑर्थो पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, अगर विदाउट वाटर वाला कंपाउंड है आपके पास तो पर आयोडिक एसिड बोलते हैं। तो अगर आपने सुना होगा पर क्लोरिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आयोडीन क्लोरीन की जगह आयोडीन डाल दे तो आपका पर आयोडिक एसिड बनता है और एक एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये इसका एक वेरिएशन है पर आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट ये भी है। तो दोनों में देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो दोनों में जो मेन स्पीशीज है O4 पर आयोडेट, ये सेम होने वाली है। दोनों का रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो भी सेम होगा। तो कभी कभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कभी HIO4 दिया है या फिर सोडियम पर आयोडाइड दिया है, दोनों का काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। बस वहाँ पे एच है, प्लस वन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे सोडियम है। ओके, तो ये जनरली होता है सल्यूबल, वाटर सल्यूबल होता है, सल्यूबल इन वाटर। ओके, और ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, या स्पेशली बोलूँ ग्लाइकोल्स, मीन जिसमें पॉली अल्कोहल ग्रुप्स होंगे, मीन्स एक से ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं, 2, 3, 4, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री की बात करेंगे जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में बहुत सारे ओएच ग्रुप होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करता है। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, स्पेशली ग्लाइकोल, और ज़्यादा यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, ओके, इसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड या फिर एसिड में। ओके, ओएच को कन्वर्ट करता है CHO, और ओवर ऑक्सीडेशन भी करता है कुछ कुछ अल्कोहलिक ग्रुप का एसिड में। ओके, ये बाद में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली इसका ज़्यादा उस कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज़ होता है। मीन्स कितने कार्बन चेन, कितने आपका जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन चेन है, उससे भी आप पता कर सकते हो पर आयोडिक के साथ रिएक्ट करने में। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे करता है, फर्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके दो वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्थो पर आयोडिक के साथ भी कर सकते हैं और मेटा पर आयोडिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास लेते हैं डायोल। ओके, जनरली ये डायोल के साथ इसका मैकेनिज्म बताया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है ऑर्थो, जिसमें दो प्रोटॉन है, ओके, नॉट दो प्रोटॉन, टोटल 5 प्रोटॉन है, H5, ओके, OH एंड OH। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंडेंसेशन, मीन्स दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होते हैं। ओके, और आपको एक और ये स्पीशीज़ मिल जाती है, साइक्लिक स्पीशीज मिल जाती है, आयोडीन डबल बॉन्ड, OH, OH एंड OH। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, आपके पास बहुत सारे इस कंपाउंड में हो, तो यहाँ से निकलेगा, और आपको अभी भी एक साइक्लिक मॉलि, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट आगे जाके आपको अपना प्रोडक्ट देगा, डबल बॉन्ड हो OH इसके बाद। ओके, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट है, दिस इज योर साइक्लिक इंटरमीडिएट, इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों मैकेनिज्म, अगर आप ऑर्थो की बात करें या फिर मेटा की बात करें, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने वाला है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एल्डिहाइड बनता है RCHO एंड आपका IO3- एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। ये कैसे निकलता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड उठ के आयोडीन के ऊपर आ जाता है, और ये बॉन्ड उठ के दूसरे कार्बन ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो दो डबल बॉन्ड आपके क्रिएट होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये देख सकते हैं नथिंग बट क्लीवेज ऑफ डायोल की बात कर रहा हूँ मैं, क्लीवेज ऑफ डायोल मीन्स डायोल को क्लीव करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आपको क्या मिला, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बने, मतलब आपको दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड मिले और एक IO3- एक बाय प्रोडक्ट निकला। तो ये जनरल मैकेनिज्म किसका है, ऑर्थो पर आयोडिक के साथ। अगर हम सिंपल HIO4 की बात करें, हम फिर से डायोल लेते हैं, आयोडीन, आयोडीन सॉरी नॉट आयोडीन, डबल बॉन्ड हो OH, यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और आपको फिर से ये साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलेगा।
आयोडीन डबल बॉन्ड हो, ओ एच डबल बॉन्ड, तो देख सकते हैं नियरली सिमिलर है आपके ऑर्थोपैराडिक के साथ। ओके, तो जनरली मैकेनिज्म में फिर से सेम होगा। ओके, और आपको क्या मिलेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है आर सी एच ओ इस तरह से, और आपको आयो 3-1 ओके अलग से बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो जनरल मैकेनिज्म अगर देखने जाए पर आयोडिक के साथ अगर ऑर्थो या मेटा यूज़ करें, मैकेनिज्म सेम होगा, आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म। अभी इसके एप्लीकेशन बाद में आती है, एप्लीकेशन पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपके बहुत सारे एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लीवेज ऑफ डायोल, क्लीवेज ऑफ डायोल में तो अलग अलग टाइप के डायोल होते हैं। हमारे पास ये वाला है ओ एच आर आर ग्रुप, आप इसको HIFO4 के साथ ट्रीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसमें क्लीव करके आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए आर सी एच ओ प्लस आर सी एच ओ, इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, सेकेंड, अगर आपके पास दोनों भी प्राइमरी अल्कोहल है तो ये बात की, अगर आप हमारे पास इस तरह से है कुछ सेकेंडरी अल्कोहल है प्लस प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ब्रेक करना है बॉन्ड को। किस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है, एक एल्डिहाइड मिलेगा ओके आर सी एच ओ, और एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा एच सी एच ओ। ओके, यहाँ पे आर ग्रुप था इसके लिए, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों भी आपके पास ये ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह से, तो नथिंग बट सेकेंडरी प्लस सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन है, मतलब यही मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस किया, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। देन हमारे पास अगर देखें कि सेकेंडरी प्लस टर्शरी का कॉम्बिनेशन है, ओके ये है, तो क्या मिलेगा, HIO4 आर ग्रुप है, तो यहाँ से ब्रेक करिए। अगर इसको आप डबल बॉन्ड बनाते तो कीटोन बनता है, और इसको ब्रेक करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है। ओके, बस आपको कार्बन कार्बन का क्लियर करना, नेक्स्ट दोनों भी टर्शरी है थे, ओ एच आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप आर ग्रुप, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको क्या मिलेगा, दो कीटोन मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। लेट्स सी, एक और मॉलिक्यूल अगर हमारे पास इस तरह से डायोल है, ओके तो अब इसको HIO4 के साथ ट्रीट करो, क्या करना है आपको, बस कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है और आपको एल्डिहाइड बना देना है। ओके, इस तरह से आपको एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये था डायोल के बारे में, नेक्स्ट देखते हैं क्लीवेज ऑफ अल्फा अमीनो अल्कोहल, अल्फा अमीनो अल्कोहल्स के बारे में। ओके, अल्फा अमीनो अल्कोहल मतलब NH2 है, OH ग्रुप है HIO4, इसमें क्या करना है आपको, बॉन्ड ब्रेक करना है इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा, आर NH मिलेगा हाइड्रोजन प्लस आपका आर सी एच ओ निकल जाएगा। अभी क्या बना है, दिस इज योर इमाइन, और इमाइन को आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से आपको एल्डिहाइड मिलता है और अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये स्टेप थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अगर आपके पास अमाइन है तो मीन्स अमाइन ग्रुप है, तो NH2 का इमाइन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है इसकी वजह से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको अमाइन अल्कोहल से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलेंगे और एक अमोनिया का गैशियस मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर 1-2 डायामाइनो क्लीवेज करेंगे तो डायामाइनो क्लीवेज, अगर हमारे पास इस तरह से ग्रुप है तो आर NH2 NH2, तो क्या करना है, दोनों को ब्रेक करना है पर आयोडिक के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड, आपको क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ इमाइन। इसके बाद इसका क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, आपको एल्डिहाइड मिलेगा, कितने, दो मिलेंगे, क्यों, बिकॉज दो है, दोनों सिमिलर है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर ट्रीट करते हो तो क्या होता है, देखते हैं, ओ एच है डबल बॉन्ड है आर है इस तरह से। ओके, इसको आप ट्रीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो इसका कन्वर्जन एसिड में होता है प्लस ये एल्डिहाइड बन जाएगा आर सी एच ओ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
अल्फा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड, मीन्स आर एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, इसमें क्या बनेगा, इसमें भी आपका एल्डिहाइड बनेगा, दो एल्डिहाइड मिलेगा और अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे मिला आपको पता चला, इमाइन था, इमाइन का कन्वर्जन होके एक एल्डिहाइड मिला और ऑलरेडी यहाँ से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, अभी हमारा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो कि क्लीवेज इन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। मीन्स आपके पास दो, एक से ज़्यादा दो देखे, मीन्स डायल में देखा, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है, जनरली ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज वैसे हो गए इस तरह। अगर हमारे पास इस तरह से है ओ एच ओ एच ओ एच, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से मीन्स ट्रैवल सिस्टम है। तो इसमें आपको कितना एच आई ओ फोर लगेगा वो इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कार्बन, आपको एक कार्बन कार्बन पूरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक एच आई ओ फोर लगता है। तो कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको, एक दो, इसके लिए टू एच आई ओ फोर लगेगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसको किसको एसिड बनाना है, किसको एल्डिहाइड बनाना है, ये चीज़ आपको मीन्स इसके थ्रू रखनी है, याद रखनी पड़ेगी, जो कि है आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा ऊपर वाला कार्बन, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल आपका एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड, और थर्ड वाला आपका एल्डिहाइड बनेगा, और ये एसिड बाद में कन्वर्ट होता है CO2+ वाटर में एज एस्केप हो सकता है। ओके, डीकार्बोनिलेशन होके। तो इसमें आपको कितने कितने इक्वेलेंट लगे, टू एच आई फोर, और इसमें कितना इक्वेलेंट एसिड निकला, एक एस इक्वेलेंट। मीन्स आप इसको टाइट्रेट करके देख सकते हो, ट्रीट करके देख सकते हो बेस के साथ, NaOH के साथ, तो कितना इक्वेलेंट बेस लगा इससे आप पता कर सकते हो, तो उसमें कितना टाइप ऑफ ये वाला कार्बन प्रेजेंट है जिससे आपका एसिड बना, और बाकी आप मीन्स वर्कआउट करके देख सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा थे इसमें। ओके, तो इसमें कितने लगे, एक एसिड निकला, और एक कितने इक्वेलेंट आपको बेस लगा, एक इक्वेलेंट, बिकॉज वहाँ पे एसिड था। ओके, अगर सिमिलरली आपके पास ये ग्रुप है CH2OH CHOH CHOH CH2OH, तो आपको कितना इक्वेलेंट लगेगा एच आई ओ फोर, आपको खुद कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने, एक दो तीन, तो यू विल यूज़ थ्री इक्वेलेंट ऑफ एच आई ओ फोर। तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्डिहाइड एसिड एसिड एंड लास्ट वाला आपका अल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो आपको कितने इक्वेलेंट यहाँ पे बेस लगेगा, टू इक्वेलेंट NaOH का बेस लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो सिमिलरली अगर ये एग्जांपल देखते हैं, अगर ग्लूकोज लेते हैं तो एच एच ओ एच ओ एच एंड CH2OH। ओके, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच, तो आपको कितने इक्वलेंट यहाँ पे पर आयोडिक एसिड लगेगा, एक दो तीन चार पाँच, तो फाइव इक्वलेंट लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, एल्डिहाइड है तो ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा, देन नेक्स्ट ये भी एसिड बनेगा, देन नेक्स्ट इसका भी एसिड बनेगा, देन नेक्स्ट इसका भी एसिड बनेगा, और लास्ट सेकेंड लास्ट वाले का भी एसिड बनेगा, और लास्ट में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इक्वेलेंट एसिड लिबरेट हुआ, फाइव इक्वेलेंट, तो आपको कितना बेस लगेगा, फाइव इक्वेलेंट NaOH। ओके, तो ये स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। अगर वही स्ट्रक्चर हम फ्रुक्टोज के बारे में करें तो CH2OH होता है, CO होता है, ये अल्डोज होता है, ये कीटोज होता है, देन एच ओ एच ओ एच एंड CH2OH, छः कार्बन आप प्रॉपर काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ओ एच एच एच। अगर इसमें हम एच आई ओ फोर डालें तो कितने इक्वलेंट लगेगा हमको, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लगे। अभी इसका क्या बनेगा, फर्स्ट का एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंड वाले का ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड हो तो इस डायरेक्ट इसका CO2 बनेगा, देन नेक्स्ट एक दो तीन, तो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस इसका एल्डिहाइड, तो आप देख सकते हैं कितने मॉलिक्यूल आपको बेस लगेंगे यहाँ पे, थ्री। तो आप देख सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, मीन्स ग्लूकोज में वहाँ पे फाइव इक्वेलेंट एसिड निकलता है, फाइव मॉलिक्यूल एसिड ये देता है एच आई ओ फोर के साथ। वही अगर फ्रुक्टोज है, अल्डोज ये था, अगर कीटोज है तो कीटोज कितने देता है, कीटोज थ्री इक्वेलेंट एसिड। तो यहाँ पे कितने इक्वेलेंट आपको बेस लगेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, थ्री इक्वेलेंट। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्डोज है कि फ्रुक्टोज है। ओके, और इसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टीरियो केमिकल एस्केप। ओके, एस्पेक्ट, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट
अभी इम्पोर्टेंट है, डायल को तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपके पास डायल भी दो तरीके के होते हैं, एक्सिस डायल इस तरह से और एक ट्रांस डायल। अभी क्वेश्चन है विच विल रिएक्ट फास्टर, ओके विच विल रिएक्ट फास्टर, और इसका आंसर है इसके मैकेनिज्म में, क्यों? बिकॉज मैकेनिज्म में आपके बनता है जो कि साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, और साइक्लिक इंटरमीडिएट जब ही बनेगा कब फास्ट बनेगा, जब आपका कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी सीस होगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, और साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने के लिए दोनों भी सेम साइड पे होने चाहिए, जैसे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के हमने देखा था जो मैकेनिज्म है उसमें भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, सेम साइड पे आपका ओएच होता है, ओके जिसके लिए जो सिन ग्लाइकॉल होते हैं कंपेरेटिवली थोड़े फास्टर रिएक्ट करते हैं कंपेयर टू एंटी डायोल्स, नॉट ग्लाइकोल्स, ओके ये भी करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, पहले ये आपके पास ओएच है इस तरह से, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सिस फॉर्म में, देन ये रिएक्ट करेंगे, ओके इस तरह से, तो पहले कन्वर्जन होगा देन ये रिएक्ट करेंगे, इसकी वजह से इनका जो रिएक्शन टाइम होगा स्लो होगा थोड़ा, ओके रिएक्ट करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन स्लो होगा। मान लेते हैं अगर हमारे पास ये वाली स्पीशीज है साइक्लोहेक्सेन, ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, अभी देख सकते हैं इसके साथ अगर रिएक्शन करते हो आप तो ये फास्ट होता है, क्यों? दोनों भी सेम साइड पे, ये ऊपर की साइड है, ये भी ऊपर की साइड है, मतलब दोनों भी सिस है, अगर वही हम इसको इसके साथ ट्रीट करें ओ एच और ओ एच तो क्या होगा, एच आई एफ और इसके साथ ट्रीट करोगे तो स्लो है, क्यों? एक बिलो द प्लेन है, एक इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है लेकिन एक नीचे है और एक ऊपर है, ओके इक्विटोरियल है, दोनों भी इक्विटोरियल है लेकिन क्या सेम साइड पे है? नहीं, दोनों अपोजिट साइड पे, तो स्लो होगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें एक एक्सियल और दूसरा एक्सियल तो इसकी रिएक्शन इनर्ट होगी, क्यों? बिकॉज दोनों भी लिटरली अपोजिट साइड पे, एक ऊपर है पूरा एक्सियल और एक नीचे, तो ये इसमें तो थोड़ा तो होगा रिएक्शन, मतलब कन्वर्जन करके इसमें होगा नहीं बिकॉज एंगल पूरा 180 का बन जाता है, तो इसमें जो पूरा कन्वर्जन करने के बाद भी आप इसकी रिएक्शन होती है ना, इसकी रिएक्शन इनर्ट होती है, तो अगर इसका रेट देखिए 1 2 6 एक्सियल इक्विटोरियल डायोल फास्ट रिएक्ट करेगा जो हमने ये देखा था, देन अगर हमारे पास 1 2 डाईएक्सियल है, 1 2 डाईएक्सियल है इनर्ट होता है जो अभी हमने देखा यहाँ पे इनर्ट होता है, बिकॉज एंगल देखिए दो दोनों का, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर साइक्लिक इंटरमीडिएट। अगर हमारे पास 1 2 डाईइक्वेटोरियल है जो इसकी बात की थी तो स्लो होता है, ओके वो भी साइक्लिक इंटरमीडिएट, बिकॉज एंगल पूरा 180 नहीं, पूरा रिवर्स मीन्स अपोजिट साइड में नहीं है, तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने के थोड़े चांसेस है लेकिन रिएक्शन इनका स्लो होगा, ओके तो इसकी अगर बात करें, इसकी बात करें ओ एच ओ दोनों अपोजिट, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप मीन्स इस पोजिशन पे है, और इसके बाद हम इसकी बात करें अगर इस कॉन्फॉर्मेशन की बात करें जिसमें ओ एच यहाँ पे है, ओ एच यहाँ पे है, अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें अगर इन कॉन्फॉर्मेशन या इन मॉलिक्यूल की बात करें, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक ओ एच है, अगर इसमें देख सकते हैं दोनों अपोजिट है, इसमें अपोजिट है, लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर इसको अगर आप करते हो इस इन दोनों की बात करें तो ये सब चारों के चारों इनर्ट है, क्यों? बिकॉज ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है तीनों में, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे लॉक होता है, ये से इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगा जिसकी वजह से इनकी रिंग फ्लिपिंग होगी नहीं, और ये क्या है ट्रांस डेकालिंग, ट्रांस डेकालिंग में फ्लिपिंग होती नहीं जिसकी वजह से ये 180 डिग्री जो इनका एंटी पोजीशन है एंटी रहेंगे, और जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, चाहे अफ्रीका इनर्ट होते, इन तीनों के केस में अगर आपका जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है इक्विटोरियल पे होता है और वो स्टेबल होता है इक्विटोरियल पे, एंटी एक्सियल पे नहीं जाना चाहता, इसकी वजह से इसकी जो कॉन्फॉर्मेशन होती है लॉक होती है, और यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग होती नहीं, ऐसा पता है कि आपका जो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है फ्लिप हो सकता है, तो इनमें फ्लिपिंग हो सकती थी, इसमें फ्लिपिंग होके रिएक्शन होती है, लेकिन इनमें टर्शरी ब्यूटाइल में अगर आपका इक्विटोरियल पोजिशन पर टर्शरी ब्यूटाइल है जिसकी वजह से आपका जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन तीनों में लॉक हो जाता है, फ्लिप नहीं होता, इसकी वजह से इन तीनों की भी रिएक्शन इनर्ट होती है, ओके तो ये पॉइंट सबसे इसकी इसमें इंपॉर्टेंट है स्टीरोकेमिकल एक्सपेक्ट में, और ये वाले 1 2 1 2 सीस या 1 2 सिन देन 1 2 डाईएक्सियल एंटी आप देख सकते हैं, ओके इनर्ट है, देन 1 2 डाईइक्विटोरियल एंटी वाले हैं, ओके
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास इस तरह से डायोल है, इसको आप ट्रीट करते हो HAO4 के साथ, तो आपको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। लेकिन आप इसको फिशर प्रोग्रेशन में देखोगे तो इसके 2 फॉर्म मिलते हैं, ये OH इस तरह से मिलेगा, OH मीन्स ये अगर फॉर्म देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये फॉर्म क्या है, मिजो फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। ओके और ये फास्टर रिएक्ट करता है और ये स्लो रिएक्ट करता है। ओके फास्टर रिएक्ट करेगा और स्लो रिएक्ट करेगा। अभी क्वेश्चन आता है कि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड OH आपको सेम चाहिए। ओके इस कंडीशन में फॉलो करते हैं, फिर भी इसकी रिएक्शन मीन्स पर एडिक के साथ स्लो की होती है, 2 फॉर्म की, इसके 2 फॉर्म है, मिजो फॉर्म और एक एक्टिव फॉर्म है, तो इसकी रिएक्शन फास्टर की होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे OH अपोजिट साइड में, तो इनको तो फ्लिप करके रिएक्शन करोगे, तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो तो इसकी रिएक्शन स्लो होनी चाहिए, लेकिन कंपेटिबल इसकी नहीं होती, तो इसका आंसर आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन में आता है। ओके तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें इसका देखते हैं, पहले मिजो फॉर्म का देखते हैं कि वो स्लो होता है, फिर इसका फास्ट होना चाहिए बिकॉज सेम साइड पे। अगर आप मिजो फॉर्म का देखें, ये हमारे पास एम ई है, अगर एक जनरली अगर न्यूमैन के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर यहाँ से देखते हो तो मेरे पास एम ई है, एच है, ओ एच है, और एक क्या है, इस तरह से अगर गॉशे फॉर्म बनाए, एम ई और एम ई, अभी देख सकते हैं एक गॉशे फॉर्म में क्या हो रहा है, अनस्टेबल है, ऑक्सीडाइज होगा लेकिन अनस्टेबल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन होगा। ओके इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्सीडेशन होता है इस केस में स्लो होता है। लेकिन अगर वही केस हम इसके साथ देखें, OH और OH, तो देख सकते हैं अभी इसका हम फॉर्म बनाएं तो इस तरह से होता है, एम ई होगा, एच ओ एच, अभी एम ई दोनों सेम साइड पे होंगे क्या, OH वही सेम साइड पे होंगे क्या, ऑब्वियसली देखिए अगर OH दोनों साइड होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी सेम साइड पे होंगे, अब हाइड्रोजन सेम साइड पे होंगे तो एम ई भी सेम साइड पे होंगे। अभी यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एक यहाँ पे होगा, OH यहाँ पे होगा और एम ई यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहे, इंटरेक्शन हो रहे, लेकिन जब इसको आप रोटेट करते हो तो क्या बनता है, आपका CH3 एच ओ एच, मीन्स रोटेट मीन्स आपको इस तरह से यहाँ साइड से रोटेट करना है 60 डिग्री से, तो क्या होगा, CH3 आपका एक यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे आ जाएगा CH3, OH यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, फर्स्ट और सेकेंड को रोटेट करने के बाद, ऑक्सीडेशन करने के लिए सेम साइड पे चाहिए थी, लेकिन रोटेट करने के बाद ये स्टेबल हो गया, क्यों, बिकॉज इसमें मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन कम हो गया, यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये रिएक्शन आगे जाती है HAO4 के साथ और ये ऑक्सीडेशन देता है। ओके ये थोड़ा फास्टर रिएक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे थोड़ा स्टीरियोकेमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ता है, बिकॉज ये वाला पॉइंट में भी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला मीन्स कन्फर्मेशन वाला पार्ट है, ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन का पार्ट है, तो सिर्फ देख के नहीं पता कर सकते, यहाँ पे थोड़ा कन्फर्मेशन की भी बात आती है। ओके अब इसके बाद जो मैंने पर आयोडाइड बोला था, सोडियम पर आयोडाइड, जनरली अगर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड अगर आपको पता है क्या रोल है, जनरली ये अल्केन को डायल में कन्वर्ट करता है, इसको आप सोडियम पर आयोडाइड के साथ लेते हो, इसको हम बोलते हैं लिमेक्स जॉनसन रिएजेंट, तो इसका काम क्या है, फर्स्ट ये डायोल को मीन्स डबल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट करता है, देन आपका पर आयोडाइड इसको मीन्स जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा डायोल के क्लीवेज को मीन्स डायोल के बॉन्ड को क्लीव कर देगा और 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दे देगा। ओके तो इसको बोलते हैं लिमेक्स जॉनसन रिएजेंट, और ये पर आयोडाइड में आता है, जनरली ये ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में भी मैं कंसीडर कर सकता था, लेकिन आपको पर आयोडाइड अगर पता नहीं है तो मतलब नहीं उसको उस टाइम पे पढ़ाने के लिए, इसके लिए मैंने ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के वीडियो में इसको मेंशन नहीं किया था, तो इस रिएजेंट का, इस दो रिएजेंट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिमेक्स जॉनसन रिएजेंट। इनका काम क्या है, ब्रेकिंग क्लीवेज ऑफ डायोल, पहले जनरली क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड ही बोल सकते हैं, पहले ये डायोल बनेगा देन इसका क्लीवेज कौन करेगा, पर आयोडाइड, मैकेनिज्म सिमिलर होगा। ओके पहले डायोल बनता है फिर पर आयोडाइड इसका क्लीवेज करता है, तो कुछ अब इसमें एग्जाम्पल देखते हो और इस टॉपिक को नियरली कवर कर लेंगे। ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेट सी, मेरे पास ये डबल बॉन्ड ओ है। ओके ओके तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, अब इसमें क्या है, डबल कहाँ कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे एक क्लीवेज होगा बिकॉज ये क्या है कार्बोनिल और OH, तो यहाँ पे क्लीव होगा, एक यहाँ पे क्लीव होगा, एक यहाँ पे क्लीव होगा, इसका आंसर आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, COH, ये COH बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन,
सी डबल बॉन्ड हो ओ एच, एच सी ओ एच, एक फॉर्मिक एसिड बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा। मीन्स 1 2 3, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा, आपको ये वाली स्पीशीज मिल जाएंगी यहाँ तक। ओके, तो इस तरह से इसका ब्रेकेज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए ओ एच कहाँ कहाँ से ब्रेक होगा, मीन्स क्लीवेज, एक दो, मीन्स टू मॉलिक्यूल लगेंगे, दो ओ एच है एक्चुअली, ट्रायल है, लेकिन आपका दो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको मॉलिक्यूल इस तरह से मिलेगा, ओ एम ई मिथाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एक एच सी ओ एच। ओके, तो इसका ये फॉर्मिक एसिड है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है पर आयोडिक एसिड के साथ, तो कितने इक्वलेंट ऑफ मीन्स बेस लगेगा, या फिर कितना एसिड इक्वलेंट लिबरेट होगा, ये भी पूछ सकते हैं, फिर कितना इक्वलेंट बेस लगेगा जो एसिड लिबरेट हुआ इससे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक होगा और यहाँ पे ब्रेक होगा, तो कितने इक्वलेंट लगेगा, थ्री इक्वलेंट, तो सॉरी टू इक्वलेंट, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये पूरा ग्रुप, इसको आर लिखता हूँ, ओ ए सी, देन वी हैव दिस सी ओ एच और सी एच ओ, और एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड बन के बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए पहले ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज़ किया है, देन सोडियम पर आयोडाइड, उसमें क्या होगा आपका, आपके पास दो ऑप्शन है, ये डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली लेस इंडाइऑक्साइड को डबल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये ओ एच इसको बना देगा, देन इसका क्लीवेज होके आपको आंसर इस तरह से मिलेगा, सी एच ओ। ओके, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा, ये लेस इंडेड साइड पे अटैक करेगा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, देन इसका क्लीवेज यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर ये होगा जिसमें एल्डिहाइड इस स्टेप में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पी एच है, दिस इज अ पी एच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बस यहाँ पे एक ब्रेक बनेगा, एक ही इक्वलेंट यूज होगा, ऑक्सीजन ओ एम ई, देन वी हैव ओके सी एच ओ एंड सी एच ओ और ये पी एच। ओके, और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए ओ एच कहाँ पे है, तो एक इक्वलेंट आपको पर आयोडेट लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी एच टू पी एच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये सी एच ओ। ओके, इस मॉलिक्यूल को खुल जाएगा, ये मॉलिक्यूल बस ओपन करके दिखाया मैंने। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मुझे डिस्कस करने थे रिगार्डिंग पर आयोडिक एसिड के बारे में, और जो लिमस जॉनसन रिएजेंट है उसके बारे में। तो एग्जाम में आपको पर आयोडिक एसिड आ जाए या फिर सोडियम पर आयोडाइड आ जाए, तो दोनों का मतलब आपको क्लीवेज ऑफ डायल स्पेशली। ओके, बिकॉज यहाँ पे हम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात नहीं करें, बिकॉज ये आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तो ये जनरली मीन्स डायल पे ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, तो रिगार्डिंग पर आयोडिक एसिड, अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।